जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में डूडा और बैंकर्स के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी पीएम स्वनिधि योजना का सभी लाभार्थियों को समय से लाभ दिलवाने के लिए बैंक को निर्देश दिया, जिस पर बैंक कर्मियों ने ग्राहक सेवा केंद्र को जोड़ने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी, जिस पर जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडरों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्र को जोड़ने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पीएम स्वनिधि योजना का लाभ हर गरीब तबके के लोगों को मिले, किसी को भी लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। इस अवसर पर एसबीआई के डीजीएम संजीव कुमार सहित अन्य डूडा के अधिकारी मौजूद रहे। कब तक पूरा हो जाएगा? तीन सौ सत्रह उसके खाते में जब जाएगा तभी वो एक्टिवेट होगा। यूपीआई आईडी सही करना, उसका क्यूआर कोड जनरेट करना और उसमें एक रुपए का पेनी ड्राफ करना, उसके बाद क्यूआर कोड वो आप जरा बताइए। इसमें सर क्या हुआ है ना, अभी हम लोग जो डिस्कस किए तो ये हम लोग सोच रहे थे कैसे या तो टाई अप करें या अपने ग्राहक सेवा केंद्र को भी अगर हम लोग इस काम में यूज कर लें तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा आसान है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ी। एक तो हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आगे से जो नए लोन होंगे उसमें ये उसी वक्त करना, ताकि हमारी पेंडेंसी वहीं स्टॉप हो जाए, 100% जो बची हुई है उसमें से फिर हम लोग डिक्लाइन करना शुरू करें या उनको बुलाएं या अपने ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से करें। ये दो तीन तरीके हैं। नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बस टारगेट ये है कि पीछे की पेंडेंसी को बढ़ने नहीं दिया जाए। उसके लिए सिंपल है कि आगे का हर लोन पेनी ड्रॉप के साथ ही कंप्लीट माना जाए। अगर उसे लेना है वहीं पे 5-10 रुपए का या 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करके उसको बताना है कि आगे तुम्हें ऐसे ट्रांजेक्शन करना है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इस वजह से ये दिक्कत आ गई। इस प्रक्रिया को पीछे जाके अब पूरा करना है, जो छूटे हुए उनको पूरा करना है। और इसका हल चूंकि आप लोग टेक्निकल हैं, उसका पोर्टल का और वो सारी चीज जानते हैं, कैसे यूपीआई आईडी जनरेट होता है, कैसे क्यूआर कोड जनरेट होता है, वो अब तो रास्ता निकालना है। आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे बैंकर जिनको सेंक्शन के बाद कॉल कर रहे हैं डिसबर्समेंट के लिए, जब वो नहीं आ रहे हैं वो लिस्ट हम आपको दे देंगे। हाँ वो कल ताकि आप भी उनको कॉन्टेक्ट करिए। अगर हम भी कॉल करते हैं, आप भी कॉल करते हैं, एक बार करते दो बार करते, उसको एक डेडलाइन दे देते हैं जी। वो नहीं आता है तो फिर आप उसमें रिमार्क भर के उसको निस्तारित कर दीजिए। अभी सैंक्शन है उसको हम लोग फिर कर सकते हैं वो पोर्टल पे मार्क।